السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما मेरे प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इस उनवान जिस मौजू की गुफ्तगू करूँगा वो है तकब्बुर की हकीकत और उसका मज़हर। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद सूरह लुक़मान की एक आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। इस आयत में हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम अपने फ़रज़ंद को कुछ बातों की उन्होंने नसीहत की थी। उनकी क़ीमती नसीहत अल्लाह तबारक व तआला सूरह लुक़मान में नक़ल फरमाई। उन्हीं नसीहतों में से एक गैरा क़द्र नसीहत बयान की गई है कि उन्होंने अपने फ़र्जंद को फ़र्जंद से अपने लड़के से ये फरमाया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, कहा कि बेटा लोगों के लिए अपना गाल को न फुला, वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और ज़मीन पर इतरा करना चल। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो तकब्बुर करने वाला, इतराने वाला और फ़ख्र करने वाला हो। हज़रात, हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम ने इस आयत में अपने फ़र्ज़ंद को आजिज़ी इख्तियार करने की नसीहत कर रहे हैं और इंकिसारी इख्तियार करने की नसीहत कर रहे हैं, तकब्बुर से गुरेज करने, तकब्बुर से परहेज़ करने की नसीहत कर रहे हैं। तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर ख़ुद को बड़ा समझना, बहुत बड़ा समझना, ख़ुद को जितना बड़ा समझ रहे हैं दूसरे को उतना ही छोटा समझना कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरे सामने जो भी है, मेरे इर्द गिर्द जो भी है, मेरे रिश्तेदार, मेरे अहबाब, ये सब मुझसे छोटे हैं। ये सोच, ये जहन, ये मिजाज, ये तकब्बुर कहलाता है। और जिस इंसान के अंदर ये मिजाज पाया जाए वो तकब्बुर कहलाता है। हज़रात, तकब्बुर ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। किबरियाई ज़ेब देती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रब्बुल आलमीन के लिए। किबरियाई अगर शान शान है तो सिर्फ़ रब्बुल आलमीन की शान शान है। अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है अल-मुतकब्बिर। मुतकब्बिर वो किबरियाई वाला, वो बड़ाई वाला। वलहुल किबरिया फिस्समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान में सच्ची बड़ाई, हकीकी बड़ाई अगर किसी के लिए सज़ावार है, शान शान है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और मखलूक के लिए बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ा धब्बा है। मखलूक के लिए कोई कहे कि मैं अल्लाह ताला ने कहा, अल किबरिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी वमन नाज़अनी वाहिदम मिन्हुमा अज़बतुहु, किबरियाई मेरी चादर है, बड़ाई मेरी चादर है और अज़मत मेरी इज़ार है। अगर कोई इन दोनों में से कोई एक मुझसे लेना चाहे, छीनना चाहे, ऐसे इंसान को मैं सख्त सज़ा दूंगा, ऐसे इंसान को मैं सख्त सज़ा दूंगा, अजाब दूंगा। इस इंसान के अंदर तकब्बुर होता है, गुरूर होता है, वो अल्लाह के नज़दीक हरगिज़ महबूब नहीं होता। कुरान ने कहा, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, जो अपने दिल में तकब्बुर को पालता हो, इसके मिजाज मुतअल्ली हो, इसके मिजाज में गुरूर हो, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता हो, वो अल्लाह की नज़रों में कभी महबूब बंदा नहीं हो सकता, अल्लाह का प्यारा कभी नहीं हो सकता। कुरान ने कहा, मुतकब्बिर इंसान के दिल पे अल्लाह मुतकब्बिर इंसान के दिल पे अल्लाह मुहर लगा देता है, वह हकबाज समझने से कासिर रहता है। कज़ा ने कहा, तबाउल्लाहु अला कुल्ली कल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, फिरौन का हवाला देते हुए अल्लाह ने कहा, देखो मूसा अलैहिस्सलाम की इतनी कीमती नसीहतें उसके सामने आई, उसके दिल पे वो नसीहतें असर कर ना पाई। क्यों? उस शख्स के तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने इसके दिल पे मुहर लगा दी। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुल्ली कल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, और कुरान ने कहा, तकब्बुर ये इंसान को नारे जहन्नम ले जाएगा। और इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन,
जो लोग मेरी इबादत करने से इतराते हैं, तकबर करते हैं, वह ज़लील ख़ार होकर, रुस्वा होकर, उतने ही छोटे होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। हज़रात, तकबर इतनी मज़मूम सिफत है कि कायनात में सबसे पहला मुतकब्बिर इबलीस है। सबसे पहला मुतकब्बिर इबलीस ने क्या, इबलीस उसी तकबर की वजह से इबलीस बना। फरिश्तों की सोहबत में रहने वाला इबलीस, फरिश्तों की मैयत में रहने वाला इबलीस, फरिश्तों की रफाकत में रहने वाला इबलीस, अल्लाह तबारक व ताला ने अगर उसे उसकी ज़ुर्रियत को धुतकार दिया और क़यामत तक के लिए उस पर लानतों की बारिश बरसाई, तो इसी तकबर की वजह से बारिश बरसाई, तो इसी मज़मून तकबर की वजह से। जब अल्लाह ने कहा सजदा कर मेरे हुक्म से आदम को, जब अल्लाह ने कहा सजदा कर ये मेरा हुक्म है, हुक्म इलाही की तामील करने के बजाय वह आदम के मुकाबले में ख़ुद को नापने लगा, तोड़ने लगा और कहने लगा अल्लाह मैं आदम को सजदा करूँ, जबकि आना खैरु मिन्हु, आदम से अफजल तो मैं हूँ, आदम से बेहतर तो मैं हूँ। वो मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ। मिट्टी की सिफत है दबना, आग की सिफत उभरना, और मैं आग से बनकर इस मिट्टी वाली मखलूक के लिए सजदा करूं। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सजदा करने से इनकार कर बैठा, तकब्बुर कर बैठा, नतीजे में वो काना मिनल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला के पास वो पहला काफिर करार पाया। पहला मुतकब्बिर इबलीस है, पहला तकब्बुर इबलीस ने किया और इसी तकब्बुर ने इबलीस को हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व ताला की नज़रों में गिरा दिया। इसलिए हजरात, ज़िंदगी में इस सिफत से बचना चाहिए। हम में से बहुत सारे ज़ुबानी तौर से कहते हैं और शायद इरादा भी करते होंगे, तकब्बुर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, लेकिन याद रखो गैर शुऊरी तौर पे बहुत सारी अदाओं, बहुत सारी हरकतों और हमारी बहुत सारी बातों से तकब्बुर ज़ाहिर हो ही जाती है। कुछ अलामतें हैं, कुछ मज़ाहिर है, कुछ सिफात हैं। अगर समझो कि इन मज़ाहिर में से, इन सिफात में से कोई एक सिफत भी पाई गई, तो मतलब ये है कि तकब्बुर की जरासीम हमारे अंदर पाए जाते हैं। खुद का मुहासबा करके इस मज़मून सिफत से पाक करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या है ये अलामतें? तब तकब्बुर की सबसे पहली अलामतें हैं हमेशा दूसरों को हकीर समझना, दौलत की बुनियाद पर, ख़ानदानी की बुनियाद पर, चाहो मनसब की बुनियाद पर, ओहदे की बुनियाद पर, हुस्न जमाल की बुनियाद पर, इज़्ज़त व शोहरत की बुनियाद पर, मेरे पास दौलत है, मैं गैरों की हकारत की नज़रों से देखता हूँ, मेरे पास ओहदा मनसब है, अपने मातहतों को हमेशा हकारत की नज़रों से देखता हूँ, मेरा ख़ानदान बड़े ऊँचे ताल्लुक से, बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं दूसरों को हमेशा हकारत की नज़रों से देखता हूँ, यह है तकब्बुर। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हम तमाम मुसलमानों को तकब्बुर की इस मज़मूम सिफत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।